हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला, संगठनों का एक क्रम देख रहे थे। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक, इसकी स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। और इसके कार्यालय की मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में है। एशियाई आर्थिक सहयोग के पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसके पहले अध्यक्ष थे तकेसी वतानवे, और 2019 तक, कब 2019 तक रहे हैं, ताकेहितो नकाओ। और अभी 2020 में 17 जनवरी को बने हैं आपके मात्सुगो अस्कावा। ठीक है, इसके सदस्य देशों की बात करें तो 67 हैं, जिनमें से आपके 48 हैं क्षेत्रीय सदस्य, राष्ट्रीय एशिया प्रशांत क्षेत्र, और 19 हैं आपके गैर क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र गैर एशिया प्रशांत क्षेत्र से। ठीक, तो इसमें आपका भारत भी शामिल है। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। इसके उद्देश्यों की बात करें एडीबी के, तो एशिया प्रशांत आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी, सदस्यों एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी अनुदान, इक्विटी निवेश की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2018 में स्ट्रेटेजी 2030 दस्तावेज एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए निर्धनता का उन्मूलन करना, सतत विकास, संपन्नता पर बल देना, इसका ये स्ट्रेटेजी है 2030 के लिए। ठीक है, मुख्य बिंदु की बात करें तो मुख्य बिंदु है एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है, विश्व बैंक के मॉडल पर आधारित है, संप्रभु राष्ट्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के लिए ऋण प्रदान करती है। याद रखना, मध्यम देशों के लिए, मध्यम आय वाले देशों के लिए हार्ड लोन देती है और गरीब देशों के लिए सॉफ्ट लोन। ठीक है, इसके फोकस एरिया की बात करें, इसके फोकस एरिया हैं ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, फिर है आपका परिवहन, जल, शहरी विकास, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम प्रबंधन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, गवर्नेंस एवं पब्लिक मैनेजमेंट, सतत विकास लक्ष्य, क्षेत्रीय सहयोग एवं समन्वय, सार्वजनिक निजी सहयोग। ठीक है, तो ये था आपका एडीबी। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे आरसीईपी के बारे में। ठीक, आरसीईपी को देखेंगे। ठीक है,